हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस बिगिनर बेसिक गिटार कोर्स में आज हम लोग देखेंगे कि गिटार के बारे में जानेंगे, कौन सा स्ट्रिंग का क्या नियम होता है और कौन सा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे यूज होता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। हे गाइस, तो क्विक देख लेते हैं कि गिटार का पार्ट्स का नियम क्या होता है। तो फर्स्ट ये होता है हेट, देन ये ट्यूनिंग कीज। जो स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग में हम लोग ट्यून करते हैं इसे, एक पर्टिकुलर नोट में, एक धुन में हम लोग ट्यून करना पड़ता है इसको। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ट्यूनिंग कैसे करते हैं। देन ये व्हाइट कलर का होता है, ये नट, और दिस आई होता है फ्रेटबोर्ड। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है ना, ये फ्रेटबोर्ड, ये फ्रेटबोर्ड से थोड़ा सा आगे अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड रिलीज होता है। एंड देन ये स्ट्रिंग रहता है, और स्ट्रिंग का जो नंबरिंग रहता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे से 1 होके 6 तक होता है सिक्स स्ट्रिंग गिटार में। और इसका जो अल्फाबेटिक जो नेम है जिसे हम लोग ट्यून करते हैं वो होता है E, B, G, D, A एंड E। ये दोनों ई स्ट्रिंग है, ये है हाई ई, एंड देन जो सिक्स स्ट्रिंग होता है ये लो ई। तो इसे हम लोग हाई ई एंड लो ई क्यों कहते हैं? तो देखो, जो फर्स्ट स्ट्रिंग ई होता है ना, ये बहुत हाई साउंड करता है, हाई पिच में, एंड देन जो सिक्स स्ट्रिंग रहता है ये लो साउंड करता है। इससे हम लोग बोलते हैं कि इसे फर्स्ट स्ट्रिंग को हाई, एंड देन सेकंड सिक्स स्ट्रिंग को बोलते हम लोग लो ई। ओके, एंड देन जो ये रहता है, ये साउंड होल, गिटार बॉडी, ब्रिज, ब्रिज पेंस, सैडल, ये रहता है पिक गार्ड। जैसे कि हम लोग जब प्ले करते वक्त, स्ट्रमिंग करते वक्त गिटार पे कोई स्क्रैचेस ना आ जाए तो ये पिक गार्ड रहता है यहाँ पर। तो गाइस, हम लोग क्विक देख लेते हैं कि प्लेक्टम कैसे होल्ड करते हैं। तो प्लेक्टम होल्ड करने का बहुत इजी वे क्या होता है कि फर्स्ट अपना इंडेक्स फिंगर को ऐसे बेंड करना है, देन इसके ऊपर ना अपना पिक रखना है, पिक रख के बस अपना थंब से ग्रिप करना है, ऐसे बहुत इजी है होल्ड करना। फिर से मैं दिखा दूँ, देखो, अपना इंडेक्स फिंगर को बेंड करना है ऐसे, देन प्लेक्टम रखना है, थंब से ग्रिप करना है ऐसे एकदम। और जो अगर तुम लोग प्लेक्टम को जो एंगल रहता है इसे प्ले करने में अगर प्रॉब्लम होता है ना, तुम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ग्रिप सेम रहेगा। और एक की हम लोग जब राइट हैंड में प्ले करते हैं ना, तो ये पिंकी फिंगर ऑलवेज पिक गट के यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। और ऐसे जगह में होल्ड करना होगा कि ना, कि तुम लोगों का पिक फर्स्ट स्ट्रिंग से सिक्स स्ट्रिंग तक इजिली मूवमेंट करे। देखो, जैसे मेरा कर रहा है अभी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड का एक्सरसाइज कुछ देखेंगे और जानेंगे कि राइट हैंड का एक्सरसाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है और राइट हैंड का राइट पोजिशन क्या होगा।